नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सिख साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक हमने आज उठाया है, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में आपसी संघर्ष के कारण इसका फायदा उठाएंगे अंग्रेज, और प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष के उपरांत अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनके आपसी संघर्ष की। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये फैमिली ट्री है बोध सिंह का। बोध सिंह के बेटे आएंगे नोद सिंह और इसके बाद चरत सिंह। ये आपके लिए खास महत्वपूर्ण नहीं है। महान सिंह से आपको थोड़ा दिमाग में चीज़ें रखना है। महासिंह के बेटे रणजीत सिंह आएंगे, जिनके बारे में भी हमने चर्चा की। रणजीत सिंह वही हैं जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, और रणजीत सिंह महासिंह के बेटे थे। महासिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे, और उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके कई बेटे हैं। आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होने वाला है। चलिए, इन सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको तीन चार लोगों के बारे में ही पढ़ना है। प्रारंभ करते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो चुकी है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका बेटा खड़ग सिंह उनका उत्तराधिकारी बनता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण है ये। रणजीत सिंह के बाद उनका बेटा खड़ग सिंह उत्तराधिकारी बनता है। चूंकि यह बेटा अयोग्य था, तो इसकी अयोग्यता का परिचय भी हम आगे करेंगे। और ध्यान सिंह दोगरा को उसका वजीर बनाया गया और यह शासन सत्ता पर बैठ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाया और डेढ़ साल के अंदर ही 1840 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा जिसका नाम है नौनिहाल सिंह, वह शासक बनता है। आपको बताया गया कि खड़ग सिंह अफीम का अत्यधिक सेवन करता था। जब अत्यधिक सेवन करता था अफीम का, तो उसको क्या किया जाता है, सिख सरदारों ने खड़ग सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसको अलग कर दिया, यानी जेल में डाल दिया। वो जेल में पड़ा रहा और उससे पहले ही नौनिहाल सिंह को गद्दी सौंप दी गई। वो उधर जेल में है, खड़ग सिंह जेल में था, नौनिहाल सिंह शासक बना दिया गया है। लेकिन शासक बनने के कुछ दिनों पश्चात नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 6 दिसंबर 1840 को। आप देख रहे हैं कि खड़ग सिंह की मृत्यु हुई है 5 नवंबर 1840 को, और खड़ग सिंह की जिस दिन मिट्टी हो रही थी, यानी जिस दिन उसको जलाया जा रहा था या समाधि उसको दी जा रही थी, अगले दिन 6 नवंबर के दिन, उसी दिन दुर्घटनावश किसकी, उनके बेटे नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। यह नौनिहाल सिंह की हवेली है जो लाहौर में है, यहाँ पर ये निवास करते थे। नौनिहाल की भी मृत्यु हो गई और खड़ग सिंह की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात खड़ग सिंह की पत्नी जिनका नाम है चांद कौर, ये विधवा हो गई थी, तो चांद कौर को शासिका बनाया जाता है। ये खड़ग सिंह की पत्नी थी, क्योंकि बेटे और बाप दोनों मर चुके हैं, इसलिए पत्नी का जिम्मेदारी है शासन सत्ता संभालने की। इन्होंने शासन सत्ता संभाली, लेकिन आगे चल के इनको सामना करना पड़ा तमाम सारी समस्याओं का। क्या सामना करना पड़ा, शेर सिंह से इनका मुकाबला होगा, शेर सिंह के बीच सत्ता को लेकर के संघर्ष होगा। शेर सिंह कौन है, रणजीत सिंह का दूसरा बेटा, यानी इस व्यक्ति का भाई है, खड़ग सिंह का भाई है शेर सिंह, या कह सकते हैं इनका देवर है। तो देवर भाभी का संघर्ष होगा सत्ता को लेकर के, देख लेते हैं। शेर सिंह है ये, और शेर सिंह क्या करते हैं, संघर्ष होगा शेर सिंह का चांद कौर के साथ, और चांद कौर को ये मार देता है या किडनैप कर लेता है, जो भी है, उसको समाप्त करके ये स्वयं सत्ता में आता है। आगे चलकर के शेर सिंह की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, 1843 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु के पश्चात क्या किया जाएगा, शेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र, ये भी रणजीत सिंह का ही पुत्र है, यानी इसका ये भी भाई है छोटा, और 5 वर्ष की उम्र में इसको दलीप सिंह जिसका नाम है, उनको क्या किया जाता है, लाहौर का शासक बना दिया जाता है। 1843 से लेकर के ये शासक रहेंगे, 49 तक इनका भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से खून का बदला खून यहाँ पर चल रहा है बार बार। दलीप सिंह क्योंकि छोटे थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए उनके संरक्षण के लिए महारानी जिंद कौर को अपॉइंट किया जाता है। यह महारानी जिंद कौर है, उनकी माँ है, रानी झिंदन के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इनका भाई जवाहर सिंह था, उसको वजीर नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि रानी झिंदन
को प्रेम था किससे, लाल सिंह से। ये लाल सिंह है, लाल सिंह और रानी झिंदन जो है आपस में प्रेम करते थे, इसीलिए थोड़ा सा अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्हें मेशालिना ऑफ द पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। मेशालिना यूरोप की एक ऐसी शासिका थी जो अपने व्यभिचार और अपने चारित्रिक दोषों के कारण जानी जाती थी इतिहास में। वैसा ही कुछ इनका भी सिस्टम है, वैसा ही काम इनका भी है कुछ, इसलिए इनको मेशालिना ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार छोटे छोटे शासक आ रहे हैं और छोटे छोटे शासकों की वजह से केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई है, और केंद्रीय सत्ता कमजोर होने की वजह से वास्तविक जो शक्ति है वो सेना के हाथों में केंद्रित हो गई है। यानी सेना पावरफुल हो गई, सेना पावरफुल हो गई, इस बात को जान गया है लाल सिंह। और लाल सिंह क्या करना चाहता है, क्योंकि खुद शक्तिशाली बनना चाहता है, ये लाल सिंह की तस्वीरें हैं, खुद शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए वह सेना को अपने समर्थन में करना चाहता है। इसलिए क्या करता है, वो सेना को अपनी तरफ मिलाकर वजीर का पद प्राप्त कर लेता है। इसका समर्थक तेज सिंह था। तेज सिंह को सेना का गवर्नर नियुक्त कर देता है, यानी सेना का प्रमुख अधिकारी बना देता है इसको, स्वयं वजीर बन जाता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं। दोनों पदों को प्राप्त करने के बाद आगे कहानी बढ़ती है, और इस तरह से यही गुटबंदी जो है, यही आपसी संघर्ष, सेना की जो शक्ति है अपने अंदर में करने की जो की जो चाहत है इन लोगों की, यही कारण है कि आगे चल करके प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष होगा। तो प्रथम आंग्ल सिख संघर्षों की जो कहानी है उनको इसी तरह से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।